यूपी पुलिस ने कमलेश तिवारी हत्याकांड का 24 घंटे के अंदर पर्दाफाश कर दिया है। कमलेश की हत्या होने के बाद यूपी की सियासत गर्मा गई थी। विपक्षी पार्टियां कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर हमला कर रही थी, वहीं पीड़ित परिवार ने इस हत्याकांड के लिए सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। शनिवार को यूपी DGP ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि उनकी टीम ने 24 घंटे के अंदर कमलेश तिवारी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। DGP का कहना है कि हमें इस बात का शक था कि इस घटना के तार गुजरात से जुड़े हुए हैं, इसलिए कार्रवाई करते हुए सूरत से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। उन्होंने बताया कि इन तीनों के अलावा कुछ और लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। उन्होंने बताया कि बिजनौर से 2 मौलानाओं को हिरासत में लिया है, देर रात दोनों को हिरासत में लेकर गए हैं। DGP ने बताया कि हत्याकांड के षड्यंत्र में शामिल मौलाना अनवारुल हक और मौलाना नईम कासनी शामिल हो सकते हैं। सूरत के मौलाना मोहसिन सलीम शेख, फैजान जिलानी और रशीद को गिरफ्तार किया है। रशीद को कंप्यूटर का ज्ञान है और दर्जी का काम करता है। वहीं फैजान मिठाई खरीदने वालों में शामिल है। रशीद ने शुरुआती प्लान बनाया था और उसी को मौलाना सलीम शेख ने उकसाने का काम किया। DGP ने बताया कि 2015 में कमलेश ने कुछ आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद मौलाना ने रशीद को उकसाया और उसके बाद इन्होंने ये साजिश रची। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.